लेट मी थिंक अबाउट इट. आपने बहुत सी जगहों पर ये सुना होगा, बींग अ फ्रीलांसर, आपने क्लाइंट से, जब आप क्लाइंट को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, वो बोलते हैं लेट मी थिंक अबाउट इट फॉर 2 डेज. इसको कैसे हैंडल किया जाए? अच्छा, बींग अ कॉपी राइटर, बींग अ क्लोजर, ठीक है, यू आर बींग पेड फॉर. जब आप अपने क्लाइंट के फ्यूचर के डिसीजन को उसको प्रेजेंट में ला के, उससे प्रेजेंट में करवाते हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट में ला के, एंड आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है ऑन द अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स यू कैन क्लोज. ये अगर आप उनसे डिसीजन नहीं निकाल पाते तो आप, आपका कमीशन भी कम होगा और आपका रेवेन्यू भी कम होगा, आपकी कंपनी का रेवेन्यू भी कम होगा. सो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट. ठीक है, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करें? अगर क्लाइंट आपसे कहता है लेट मी थिंक अबाउट इट फॉर 2 डेज, आप उसे कहें श्योर टेक 4 डेज. जो टाइम बोल रहा है उसको डबल करके बोलें. फॉर एग्जाम्पल, 7 दिन कहता है 14 बोलें, 2 दिन कहता है 4 बोलें, 6 दिन कहता है 12 बोलें. यू कैन टेक, अगर वो 6 कह रहा है कहें टेक 12 डेज, एंड एट द एंड ऑफ 12वें दिन पर आप 3 कंक्लूजन पर आएंगे. 3 क्वेश्चन आपको आंसर करने होंगे अपने आप को. ठीक है, 3 ही बल्कि 4, बेसिकली 4 क्वेश्चन आंसर करने होंगे. पहला, ठीक है, इज इट गुड फॉर मी. दूसरा, कैन आई अफोर्ड इट. पहला था इज इट गुड फॉर मी, दूसरा कैन आई अफोर्ड इट. ठीक है, तीसरा, ठीक है, शुड आई डू इट नाउ. चौथा, क्या प्राइस और वैल्यू, ठीक है, क्या वैल्यू मुझे ज़्यादा मिलेगी प्राइस से, जो प्राइस है उससे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी. ठीक है, और आपने ये क्लाइंट को बोल दिया. उसके बाद आप थोड़ा सा पॉज करना है आपने, एंड देन क्लाइंट को दिखाना है, जैसे कि आप कॉल बंद करने वाले हैं. कॉल बंद करने से पहले फ़ौरन आपने क्या करना है, उसे कहना है कैन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस. वो कहेगा यस. और यही क्वेश्चन आपने पूछ लेने हैं. अगेन, आप पहला क्वेश्चन जो आपने उसे कहा, आपने पूछना है इज इट गुड फॉर यू. आप उससे पूछोगे इज इट गुड फॉर यू, वो कहेगा यस. अगर वो नो कहता है, देन यू गो इन टू द बेनिफिट क्लोज. बेनिफिट बताओ, क्योंकि उसको नहीं लग रहा कि बेहतर है, तो देन यू शुड गो इन बेनिफिट थिंग, बेनिफिट क्लोज. दूसरा, कैन आई अफोर्ड इट. अगर वो कहता है यस, ठीक है, नहीं तो गो इन द प्राइस क्लोजिंग. ठीक है, कोई प्लान देने हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान देने हैं, यू कैन गिव इट. तीसरा, शुड आई डू इट नाउ. ठीक है, अगर वो कहता है यस, देन यू गो इन टू द ढंडा क्लोज, जिसको बेसिकली मैं कहता हूँ. यू कैन शेयर द पेमेंट मोड्स. ठीक है, चौथा, क्या प्राइस जस्टिफाइबल है वैल्यू के साथ. ठीक है, अगर प्राइस जस्टिफाइबल नहीं है वैल्यू के साथ, देन यू कंपेयर द मॉड्यूल्स यू हैव, और उसको बताओ कि कैसे आपकी प्राइस जस्टिफाइबल होती है कि नहीं. एंड दिस इज़ हाउ यू क्लोज क्लाइंट्स. एंड इफ़ यू आर एबल टू क्लोज क्लाइंट्स क्विकर, आई गारंटी यू विल राइट योर ऑन पे चेक. आप 1,00,000 रुपए भी घंटे में कमा सकते हो, आप 1 दिन में 1,000,000 भी कमा सकते हो, जैसे कि मैं कमा रहा हूँ. ठीक है, इफ़ यू थिंक ये बेनिफिशियल है आपके लिए ये वीडियो, शेयर इट विद योर कम्युनिटी, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई इंशाल्लाह अश्योर यू कि अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे, लेट मी थिंक अबाउट इट, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपने क्लियर करना ऑब्जेक्शन, इंशाल्लाह यू विल राइट योर ओन पे चेक. अल्लाह हाफिज़.